अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं मुशाहिद खान और अभी आपने सोशल मीडिया पर एक ख़बर देखी होगी। कोरोना वॉरियर के नाम से मोहम्मद आरिफ खान एक ड्राइवर थे, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और पिछले 6 महीने से वो लगातार अपनी सेवा दे रहे थे और एक डर नाम की उनके अंदर चीज़ नहीं थी। और उसी एम्बुलेंस सर्विस में शहीद भगत सिंह एम्बुलेंस सर्विस है, उनके जो ओनर हैं वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सर कुछ बताइए आरिफ के बारे में कि आरिफ किस तरह का इंसान था। 6 महीने से वो घर नहीं गया और घर जाते थे तो थोड़ी देर के लिए जाते थे और फिर गाड़ी में सोना। कभी इनको डर नहीं लगा कि भाई मुझे भी कुछ हो सकता है? देखिए, आरिफ को ड्राइवर कहना बहुत छोटी बात रहेगा। आरिफ हमारा भाई था और 30 साल मेरे साथ उन्होंने अपने जीवन के गुजारे हैं, 30 साल। और जब संस्था की शुरुआत हुई 1995 में, और पहले सबसे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए सेवा के लिए शुरुआत की। एक छोटी सी गाड़ी, हमने टूटी सी गाड़ी से शुरू किया था, करते करते आज परमात्मा की कृपा से हमारे पास 16 गाड़ी हैं जिसमें 8 डेड बॉडी के लिए हैं, 10 एम्बुलेंसेज हैं। हमने कोविड की अलग चलाई। इस सारी सेवा में मेरे सारे वॉरियर जो थे उसमें आरिफ सबसे सीनियर था। आरिफ भाई मेरे साथ ही रहते थे जहाँ भी मैं एम्बुलेंस लेके जाता था, क्योंकि मैंने अपने हाथों से हज़ारों संस्कार किए हैं और 25 साल का अगर पूरा खाता खोलूं तो 44-45 हज़ार डेड बॉडी हमने कैरी किया। तो मैंने अपने सैकड़ों मेंबर्स में से 21 की जो टीम बनाई पहले, उस 21 में आरिफ भी था। और बाकी हम सब ने ही एक प्रण किया था कि हम जितने दिन कोरोना है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पार्किंग में बिताएंगे। हम नाश्ता भी यहीं करते थे, लंच भी, डिनर भी खुद बना के। जब मुझे कोरोना हुआ, मेरे बच्चों को हुआ, मेरी मिसिस को हुआ, आप भी इस चपेट में आ गई कोरोना की, हो गया, मैं पॉजिटिव हो गया, मैं तो 1 महीना रहा बेड पे जी। और मैंने मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, हिंदू हर बॉडी को जलाया है, उठाया है, दफनाया है। और अभी तक यानी कल तक 497 डेड बॉडीज़ की सेवा हो चुकी है हमारे यहाँ से, और 643 पॉजिटिव पेशेंट कोरोना के, जिनको या तो घर से हमने हॉस्पिटल छोड़ा या हॉस्पिटल से घर छोड़ा जी। और 19 संस्कार हमने ऐसे भी किए हैं जो डेड बॉडी को छोड़ के भाग गए, डर के मारे, परिवार के लोग डर के चले गए, छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि मर ना जाए, वो हमको बॉडी दे के निकल जाते थे, हम अपने आप कराते थे। और कराया हमने, और बड़े अच्छे तरीके से कराया हमने तो। लेकिन मेरे ड्राइवर घबराए नहीं, मेरे वारियर एक भी नहीं घबराया, एक बंदा भागा नहीं मेरा। और भागा तो बस सीधा बेचारा आरिफ भाई, अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं कहता हूँ उनकी शहादत हुई है इस कोरोना काल में, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज भी हमें अपनी पार्किंग में जो सूनापन लग रहा है उनके जाने से, मेरे ड्राइवर बड़े सदमे में हैं। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी हमारे साथ, क्योंकि गरीब परिवार से था। माली हालत कैसी है? एक 9,000 के किराए पर बेचारे वो रहते हैं, 4 बच्चे हैं जी। सबसे बड़ा बच्चा कितना साल का? 21 साल का बड़ा बच्चा है, बाकी लड़कियां दोनों छोटी ब्याह दी हैं उन्होंने, लेकिन लड़के दोनों हैं और बेरोजगार हैं। एक लड़के की तो आँख नहीं है, एक्सीडेंट में चली गई थी। तो उनके लिए कुछ भी करना हमारे लिए हमारा नैतिक फर्ज बनता है, और करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अभी तक जहाँ तक आपने सरकार की बात करी, किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं दी गई है अभी तक। हम आपके साथ चलेंगे, उस परिवार के साथ में, हमसे जो पर्सनल मदद होगी हम मदद करेंगे और आपकी इस मुहिम को रुकने नहीं देंगे। आरिफ भाई की जो फैमिली है उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप हमें उनके घर लेके चलिए और उनकी फैमिली से मिलिए प्लीज़। मैं सलाम करता हूँ सर आपको, और उसके साथ साथ मैं अभी आरिफ खान साहब के घर भी चलूँगा और उनकी माली हालत कैसी है, उनका घर कैसा है वो भी दिखाऊँगा, और मुझसे जितना हो सकता है मैं मदद करूँगा। अभी आरिफ खान की फैमिली के साथ में हम हैं, ये उनकी बेटी है और उनकी जो वाइफ है वो इद्दत में है, जैसे कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से होता है, 4 महीने 10 दिन की एक एकांतवास होता है जो किसी से मिल नहीं सकते। ये उनकी बेटी है अंकल।
एकदम पापा चले गए आपके। पापा हमारे छोड़ के चले गए हमें। कोई मदद आई कहीं से आपकी? अंकल करवाए अभी कल, जो करा रहे अंकल करा रहे हैं। बेटी बेटी बाहर रो रही है और वाइफ अंदर रो रही है। जितेंद्र जी ने पूरी कोशिश की है कि उनको कुछ मदद की जाए। भाई साहब सही करेंगे, क्या कर दिया भाई साहब ने मेरे संग। मेरे बड़ा भाई ध्यान रखता है, कुछ नहीं रखा, मुझे अकेला छोड़ दिया। एक बेहद ही गमगीन माहौल है ये। जो घर में कमाने वाला था वो ही चला गया। दो बच्चे हैं जिनकी अब तक जॉब नहीं लगी और एक की आंख में भी थोड़ा सा फर्क है। ये सर, ये जो घर है ये भी किराए का आपका बेटा? जी जी किराए पर। किराए का घर है आप? देखो जो अल्लाह जो करता है ना वो बेहतर ही करता है। पर उनकी किस्मत में यही था, रोजी रिजक उनका यही था। घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, एक छोटी सी मदद है, ज़्यादा तो नहीं है सर, 5,000 रुपये हैं सर। मैं चाहता हूँ कि आप इस फैमिली को दे दें और मैं कोशिश करूँगा इनका बेटा है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस परिवार का अकाउंट नंबर मैं अपने स्क्रीन पे दिखाऊँ और सर का मोबाइल नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। हमारे जो स्टाफ है आज वो हमारे ड्राइवर काम करने को तैयार नहीं है, उनके अंदर शक्ति जो है वो ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं कि एक कोरोना ने हमारा एक भाई ले लिया और आरिफ भाई 30 साल से हमारे भाई की तरह निभा रहे थे हमारे साथ और दुख में साथ रहे, और इस देश के समय में जब इतना बड़ा काल आया उसको हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ जो निभाया है, आरिफ भाई का कर्जा हम नहीं उतार सकते हैं बहुत ज़्यादा। आप इस परिवार का साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, जितनी आपकी हैसियत है साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, मैं जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8750674433 8750674433 ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप करके हमें सहायता के लिए कह सकते हैं या व्हाट्सएप करके हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं, फिर मैं आपको अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। उसके बाद अगर उनके अकाउंट में सीधा नहीं जाएगा तो आप सेवा दल को भेजेंगे, हम सेवा दल के थ्रू उनको देंगे जैसे भी करके। आप एक और नंबर ले सकते हैं मेरा 8750905050 8750905050, इस पर व्हाट्सएप नहीं है, पहले वाले पे व्हाट्सएप है। आप जितनी मदद करेंगे ये आप देश के लिए, मैं समझता हूँ कोरोना काल में आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।